वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के निर्देश पर जिले में चल रहे कच्ची शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ गोरखपुर पुलिस लाइन ने अभियान चलाए हैं। लगातार कहीं न कहीं कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस मामले में लिप्त शराब कारोबारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। बुधवार को सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने थाना राजघाट में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि राजघाट थाना प्रभारी राजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में कच्ची शराब बनाने के ठिकाने अमृतानी बगिया में पूरे पुलिस फोर्स के साथ छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान 3 शराब के कारोबारियों के साथ 70 प्लास्टिक के गैलन में 700 लीटर अपमिश्रित प्रतिबंधित कच्ची शराब, प्लास्टिक के झोले में 3 किलो यूरिया खाद, 2 प्लास्टिक के झोले, 500 ग्राम नौसादर, 12 पीस बड़ा हांडा एल्युमिनियम का ड्रम, नलका लगा हुआ बरामद किया। पकड़े गए आरोपी वर्मा निषाद पुत्र सौरू गौरी निवासी बहरामपुर थाना तिवारीपुर, सुरेंद्र साहनी पुत्र जयप्रकाश साहनी निवासी धुनगुन कोठा थाना तिवारीपुर व मोहन निषाद पुत्र स्वर्गीय नाटे निवासी बहरामपुर थाना तिवारीपुर के रहने वाले हैं। सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने किराए पर जमीन देकर इस कारोबार को बढ़ावा देने वाले जमीन मालिकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में लग गई है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, ये पीसी है। कल दिनांक 13/8 को ये सूचना प्राप्त हुई। हमारे वरिष्ठ उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह हैं और कोतवाली प्रभारी हैं श्री राजेश कुमार पांडे जी, इन सबको सूचना मिली कि हार्बर बंधा हनुमानगढ़ी के नीचे कछारी एरिया में कुछ लोग बाग में शराब अवैध उतार रहे हैं, देसी शराब। इस सूचना पर पुलिस, मैं अपने चौकी इंचार्ज ट्रांसपोर्ट नगर, चौकी इंचार्ज घंटाघर और अन्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची तो पाया कि मौके पर 40 भट्टियां जल रही थी जिन पे ड्रम लगे हुए थे, शराब उतारी जा रही थी और बहुत भारी मात्रा में शराब मौके पर मौजूद थी जिसे कब्जे में लिया गया। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 7 लोग मौके से भागने में सफल हो गए हैं, जिनका गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है और जो गिरफ्तार लोग हैं इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार ये पता चला है कि ये पहले से भी करते रहे हैं और ये कब पकड़े गए हैं इस संबंध में इन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। फिर भी 3 थानों से संबंधित जो भी हर्बर्ट बंधा के इर्द गिर्द थाना क्षेत्र हैं उनके थाना क्षेत्र में अभिलेखों को देखा जा रहा है और यदि उनमें आएंगे तो इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में भी गैंगस्टर की सेपरेट कार्रवाई सभी अभियुक्तों के विरुद्ध करके और उनकी संपत्ति को भी सीज करने की प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जड़ से बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। अभी तक जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतानी एक बदनामशुदा क्षेत्र था, वहाँ ही होता था, विशेषकर टारगेट पुलिस वहीं करती थी, लेकिन पहली बार ये हर्बर्ट बंधा के नीचे इस तरह से व्यापक पैमाने पर अवैध शराब उतारी जा रही थी और इस सूचना मिलने पर अब पुलिस विशेष रूप से चौकन्नी हुई है। संपूर्ण कछारी एरिया की सघन तलाशी कराई जाएगी और तलाशी में यदि कहीं भी इस तरह का मिला तो जो भी भू मालिक हैं, जिनकी भी ज़मीन में शराब उतारा जा रहा है, जो इसकी किराया लेते हैं, इस काम को कराने के लिए हिस्सेदारी लेते हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसे जड़ से समाप्त करने में सफल हैं। करीब 500-600 लीटर के आसपास हमने शराब बरामद की है और भारी मात्रा में उसके जो ड्रम्स हैं उनको वहीं ध्वस्त किया गया है। बहुत से डिब्बे थे प्लास्टिक्स के, उनको वहाँ हमने ध्वस्त किया है। इसके अलावा जो उस पर तवे रखे जाते हैं ड्रम,
छोटे छोटे ड्रम रखे जाते हैं, उनको कुछ को हमने कब्जे में लिया है, शेष को वहीं नस्तनाबूद कर दिया गया है।